हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपने भी कर ली अंडमान ट्रिप प्लान तो और भी अच्छे हो जाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडमान के बहुत ही बेहतरीन होटल्स, जहां रुककर आपका मन तो खुश होगा ही और साथ में हैं आप अपनी फैमिली के साथ, तो आपको आने वाला है यहां पर बहुत ही मजा। तो चलिए लेकर चलते हैं हमारी लिस्ट के पहले होटल की ओर, जिसका नाम है सिम्फनी समरसेंट। इस रिजोर्ट में आकर आप ले सकते हैं पूल पार्टी का मजा, और अगर आप चाहते हैं प्राइवेट पूल तो वो सुविधा भी आपको उपलब्ध होगी, और वो भी एकदम डेकोरेटिव पूल के साथ। और अगर पार्टी वार्टी छोड़कर आपको करना है रिलैक्स, तो आपको यहाँ से मिलेगा डायरेक्ट बीच एक्सेस। जाइए बीच पर और लौट जाइए और लीजिए समुद्र की ठंडी हवाओं का मजा। और अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, एशियन सभी तरह का खाना उपलब्ध होगा, और अगर आपको चाहिए खिचड़ी तो वो भी मिल जाएगी। अब भर गया है पेट, तो आपको लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट रिजोर्ट की ओर, जिसका नाम है सी सेल समसारा, जो कि 5-स्टार रेटिंग का बहुत ही खूबसूरत सा होटल है, जिसमें आपको बहुत तरह के रूम अवेलेबल हो जाते हैं। अगर बात करें कैटेगरी की तो यहाँ पर आपको बीच व्यू, सी व्यू, गार्डन व्यू, होटल व्यू सभी तरह के रूम मिलते हैं, और ये रूम होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। कीजिए अपनी पॉकेट को थोड़ा सा हल्का और कीजिए अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत सा कैंडल लाइट डिनर। और अगर हैं आप पूल पार्टी के शौकीन तो ये मौका भी आपके हाथ से बिल्कुल नहीं खिसकने वाला। तो आइए और कूद पड़िए स्विमिंग पूल में और कीजिए अपनी कॉकटेल पार्टी एंजॉय। यह होटल लक्ष्मणपुर बीच के पास ही है, तो सनसेट का मजा बिल्कुल लेना ना भूले। और खाने की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत ही लजीज खाना। रूम के प्राइस के साथ ही ये लोग आपको ब्रेकफास्ट भी फ्री देते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्री की चीज तो ऐसी वैसी आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। आपको मिलने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो भी ढेर सारा। तो खाइए, पिए और इंजॉय कीजिए बहुत सारा। तो अब लेकर चलते हैं हम आपको अपनी लिस्ट के तीसरे होटल की ओर, सिल्वर सैंड रिजोर्ट, जो की बेस्ट 5-स्टार होटल में से एक है। कौन नहीं चाहता अच्छे और बेस्ट होटल में रुकना, लेकिन कई बार पॉकेट साथ नहीं देती। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाते हैं ऐसे ही नील आइलैंड के बेस्ट होटल की ओर, जिसमें आपको हर चीज काफी सुंदर और यूनिक देखने को मिलती है, और रिजोर्ट भी रहने वाला है बिल्कुल आपकी पॉकेट फ्रेंडली। और इस रिजोर्ट की सबसे खास बात, यह रिजोर्ट बिल्कुल बीच पर ही है। इसके अलावा आउटडोर में आपको बहुत ही चार्मिंग सा स्विमिंग पूल मिल जाता है, जो कि इस होटल की खासियत भी कहा जाता है। रूम के आसपास आप रेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही बैठकर एंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स। हनीमून डेस्टिनेशन के लिए यह होटल काफी फेमस है और अच्छा भी माना जाता है। यह होटल आपको एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर भी ऑफर करता है, जो होने वाला है आपके लिए बहुत ही रोमांटिक। और अगर आप हैं सी फूड के शौकीन तो यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब है। अब चलते हैं हम अपनी लिस्ट के चौथे होटल की ओर, जिसका नाम है एक्वास होटल एंड रिजोर्ट। जब भी बेस्ट होटल का नाम लिया जाता है नील आइलैंड पर रुकने के लिए, तो उनमें एक्वास होटल का नाम जरूर आता है, क्योंकि इसे काफी टूरिस्ट पसंद करते हैं। इस होटल में आपको सभी फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ आपको गार्डन, लॉन्ज और बार भी देखने को मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं कॉकटेल पार्टी तो इसकी भी टेंशन ना लें, ये सब अरेंजमेंट कर देंगे। अगर आप यहाँ हनीमून पर आए हैं तो ये लोग आपको प्राइवेट पूल के साथ रूम अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ प्राइवेट डिनर भी प्लान कर सकते हैं। और अगर हम खाने की बात करें तो सी फूड तो यहाँ का लाजवाब है ही, साथ में ही आपको यहाँ पर इंडियन, चाइनीज सभी प्रकार के खाने उपलब्ध होंगे। अब चलते हैं हम अपनी लिस्ट के लास्ट होटल की ओर, जिसका नाम है कोकुन्स हट बीच रिजोर्ट। इस होटल की सबसे खास बात यह है कि इनका प्राइवेट बीच है, जहाँ पर आप डेजलिंग, स्नॉर्कलिंग और फिशिंग जैसी एक्टिविटीज भी इंजॉय कर सकते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर फन एक्टिविटीज भी होती रहती है, जिनमें आप भी पार्ट ले सकते हैं और कर सकते हैं बहुत सारा एंजॉय। और अगर हैं आप कॉकटेल पार्टी के शौकीन तो यहाँ पर आपको आउटडोर बार भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कई प्रकार की रूम कैटेगरीज भी देखने को मिलेंगी, जिनमें आपको सी व्यू, गार्डन व्यू, बीच व्यू सभी प्रकार के रूम मिलते हैं। प्राइवेट बीच होने की वजह से यहाँ पर आपको काफी स्पेस मिलता है, जहाँ पर आप बीच पर लौटकर समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। खूबसूरत से नील आइलैंड को निहारने के लिए इन खूबसूरत से रिजोर्ट में से चुन लीजिए आप भी अपना एक रिजोर्ट और कीजिए बहुत सारा एंजॉय। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।